हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चीज़ टोस्ट बनाएंगे, चीज़ ब्रेड कह सकते हो, चीज़ टोस्ट कह सकते हो एयर फ्रायर में। तो उसके लिए देखिए, मैंने एक वर्किंग ट्रे के ऊपर चार ब्रेड के स्लाइसेस रख लिए हैं। ये ब्राउन ब्रेड है और उसके ऊपर चीज़ स्प्रेड कर लिया है और थोड़ा सा ऑरिगेनो लगा दिया है। मैंने ये वाला चीज़ लगाया है, ये बहुत अच्छा रहता है। मिक्स है, ये ब्लेंड है, तो अमूल का ये डाइस्ड है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती इसमें। फटाफट से मैंने इसके ऊपर ये स्प्रेड कर दिया है और अब इसे हम अंदर रख देंगे। ये देखिए, मैंने इसको रख दिया, अब इसे बंद कर देंगे। मेन सप्लाई मैंने ऑन कर दी है और यहाँ से टेम्परेचर कम करेंगे। वन एटी डिग्री पे इसको स्टार्ट कर देंगे। आप टाइम भी सेट कर सकते हैं 4 to 5 मिनट्स, लेकिन मैं टाइम कई बार नहीं भी सेट करती और 4-5 मिनट्स के बाद इसको बंद कर देती हूँ। लेकिन अगर आपको डाउट है कि आप भूल सकते हैं इसको रख के, तो आप 4 to 5 मिनट्स इसको सेट कर दीजिए। लाइट भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ये देखिए, देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर जैसे ही जो चीज़ है वो मेल्ट होता है और सेट हो जाता है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो उसमें तकरीबन 4 to 5 मिनट्स लगते हैं। तो मैं आपको ये देखिए, 3 मिनट के बाद ये जो चीज़ है ये आपका मेल्ट हो गया है। अभी ये चीज़ जस्ट मेल्ट हुआ है, तो इसको अभी थोड़ा सा और हम पकाएंगे। थोड़ा सा चीज़ ये ऊपर से रेड हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा रेड हो जाएगा, रोस्ट हो जाएगा, तो बहुत अच्छा लगता है और ब्रेड भी थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा। टाइम मैंने आपको बताया था, टाइम यहाँ से सेट करना है। ये जो टाइम का ऑप्शन है, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 15 मिनट्स आता है, तो आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जो भी आप बना रहे हैं। तो ये देखिए, अभी 4 मिनट हो चुके हैं और चीज़ पूरा मेल्ट हो गया। इसी तरह से आपका पिज़्ज़ा भी बन जाता है। मैंने पिज़्ज़ा की रेसिपी भी शेयर की थी। अब मैं एयर फ्रायर की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आने वाले टाइम में। कुकीज़, केक्स, टिक्काज सब कुछ हम बनाएंगे। तो अगर आप ये रेसिपीज़ देखना चाहते हैं एयर फ्रायर में, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसमें मैं बहुत सारी तरह की कुकीज़, केक्स और टिक्काज, इसमें जो जो मैंने अभी तक ट्राई किया है वो मैं सब एक एक करके इस चैनल पे शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, अभी वापस इस पे आ जाते हैं। तो ये देखिए, चीज़ जो है ये हल्का हल्का यहाँ से देखिए रोस्ट होना शुरू हो गया है, जैसा आपका मार्केट में पिज़्ज़ास पे होता है, ये देखिए। और टाइम हमारा पूरे 5 मिनट हो चुके हैं, तो मेरे लिए ये काफ़ी है। मैं इसको अब बंद कर देती हूँ। अभी मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 5 मिनट में ये इस तरह से तैयार हो गए हैं और मैंने निकाल लिए हैं। ये थोड़े से क्रिस्पी हो गए हैं। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए, देखिए ये थोड़े से क्रिस्पी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं पसंद है हम लोगों को। तो अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी जैसे एकदम टोस्ट की तरह करने हैं, तो पहले आप क्या कर सकते हैं, ब्रेड को, खाली ब्रेड को थोड़ा 1-2 मिनट के लिए आप सेक सकते हैं और फिर उसके बाद आप चीज़ लगाइए। तो आप ट्राई कीजिए, ये बड़ा ही सिंपल है और इसके ऊपर वेजीज आप डाल के ब्रेड पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं सेम प्रोसेस से। तो बनाइए, इंजॉय कीजिए और बताइए फिर कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।